देखो, ये हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे जिसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी पार्टिकल का पी स्क्वायर बाय 2m या हाफ एम वी स्क्वायर हमने किया हुआ है, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मोमेंटम क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू के फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये भी किया हुआ है। जो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ होती है किसी भी पार्टिकल के लिए वो एच बाय पी होती है, पी का मतलब मोमेंटम, मोमेंटम एनर्जी की फॉर्म में, ये हमने किया हुआ है। तो आप इसे प्लीज़ इसे इंपॉर्टेंट मार्क करें, फॉर्मूला कि एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 m k, ये हम यूज़ करेंगे। इसके बाद डी ब्रॉगली की वेवलेंथ किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर निकालनी है तो एच अपॉन ये फॉर्मूला, इसमें के काइनेटिक एनर्जी को क्या पुट किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और वोल्ट है, तो वी वोल्ट पे हमने एक इलेक्ट्रॉन को रखा, तो हमने एनर्जी क्या दी, ई इंटू वी। तो यहाँ चेक करो के की जगह क्या लगा दिया, ई इंटू वी, सारी वैल्यूज को पुट करके आंसर आ गया। पर ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए है। अगर कोई और पार्टिकल होगा तो फिर आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, इसके अंदर कुछ एक दो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे और हमने 27th क्वेश्चन को शायद करना है, 27th करना है ना, हाँ 27th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। देखो 27th नंबर प्रॉब्लम देखो क्या है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट डी ब्रॉगली की वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन की जगह उसने पार्टिकल चेंज कर दिया, क्या कर दिया, अल्फा पार्टिकल कर दिया, एक्सलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। तो उसने वी की वैल्यू हमें बता दी 200 वोल्ट। 200 वोल्ट का मतलब है कि उस अल्फा पार्टिकल को हमने एनर्जी दी, एनर्जी दी, एनर्जी दी तो मोमेंटम दिया, मोमेंटम दिया तो वहां से डी ब्रॉगली की वेवलेंथ कैन बी कैलकुलेटेड। तो रूल नंबर वन, जो मास है अल्फा पार्टिकल का वो क्या लेना होता है, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटोन। तो प्रोटोन का जो भी मास है, अल्फा पार्टिकल का मास क्या लेना है, 4 गुना ज्यादा, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, अब अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो ट्वाइस होता है ई के, तो ट्वाइस चार्ज ऑफ प्रोटोन। और हमें पता है कि चार्ज इंटू पोटेंशियल हमने क्या दी, एनर्जी दी, जो अल्फा पार्टिकल ने काइनेटिक की फॉर्म में ली, तो दिस चार्ज इंटू पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से 2 इधर चला गया, और रादर हमने एक और काम किया, 2 नहीं गया, रादर चार्ज को पुट कर लिया 2e, क्योंकि हमने वैल्यू पुट कर ली चार्ज की 2 इंटू ई, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, ताकि एम वी की वैल्यू आ जाए, इसको यहाँ ले जाओ अंडर रूट ऑफ दिस टर्म। तो आपने क्या निकाल लिया, अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम निकाल लिया। तो अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम कैसे निकाला, चार्ज इंटू पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट साइड को मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड। वैसे तो ये भी कर सकते थे, यहाँ पर पी स्क्वायर बाय 2 m ही लगा लेते, वो ज़्यादा बेटर था। और यहाँ पर चार्ज की जगह 2 टाइम्स प्रोटोन का चार्ज, तो यहाँ से मोमेंटम आ गया। डी ब्रॉगली की वेवलेंथ क्या होती है, एच अपॉन एम वी, एम वी की जगह पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दी, एच पता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल पता है, ई पता है, और वो वी भी पता है। तो सॉल्व करके क्या जाएगा आपके पास, वेवलेंथ की वैल्यू आएगी। मतलब घूम फिर के फॉर्मूला एक ही है डी ब्रॉगली में, एच अपॉन पी। बस बात ये है कि आप मोमेंटम निकालते कैसे हो, ये इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे मोमेंटम की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। क्वेश्चन नंबर 28, देखो क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं ये वाला, पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन। कोई भी पार्टिकल की जो स्पीड है वो 3 गुना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है, तो दोनों की लैम्डा की रेशियो दे दी। कैलकुलेट दी पार्टिकल मास एंड आइडेंटिफाई दी पार्टिकल। तो रूल नंबर वन, कोई भी पार्टिकल है या कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो आपको लैम्डा का फॉर्मूला पता है एच अपॉन पी। तो एक बार ये मोमेंटम किसका, इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक बार किसका, पार्टिकल का। इसने हालांकि प्रोटॉन लिख दिया, नहीं इसे पार्टिकल ही लिया, सॉरी पार्टिकल है, तो पी फॉर या प्रोटोन नहीं है, पी फॉर पार्टिकल है। तो इन्हें डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके रेशियो आ गई, यहाँ से मास की रेशियो एक तरफ, बाकी रेशियो एक तरफ। आपको इसमें लैम्डा की रेशियो क्वेश्चन में गिवन है और वेलोसिटी 3 टाइम्स गिवन है पार्टिकल की, तो ये रेशियो पार्टिकल की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से 3 टाइम्स है, तो ये 1/3 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये मास ऑफ पार्टिकल एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्वेश्चन में पता होता है क्या है,
तो यहां से सॉल्व करके मास ऑफ पार्टिकल आ गया। अब ये मास किसके साथ मिल रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के साथ मिल खा रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे लैम्डा का फॉर्मूला यूज करके डिवाइड करके आपने मास ऑफ पार्टिकल निकाल लिया और फिर कंपेयर करके ये पार्टिकल का मास आ गया। इसको देखें, ऐसे करेंगे, ऐसे फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटोन, प्रोटोन की डी ब्रॉगली की वेवलेंथ निकालनी है, हुज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम करते नहीं हैं, पर वैसे रूल ये कहता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटोन कोई भी पार्टिकल है अगर वो रेस्ट पे है उसके मास को रेस्ट मास बोलते हैं, एम नॉट। और अगर कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेरेबल स्पीड से मूव करे तो जो पार्टिकल का मास है वो चेंज हो जाता है। पार्टिकल का मास क्या हो जाता है, रेस्ट का मास अपॉन अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये हो जाता है। तो हमने साइक्लोटोन के अंदर भी एक बार ये डिस्कशन की थी, तो ऐसा हो जाता है। पर उसने स्पीड गिवन ही नहीं है तो रेस्ट मास की बात कर रहा है, तो रेस्ट मास तो एम नॉट पता ही है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है। तो कह रहा है कि इसके अंदर अगर रेस्ट मास दे रहा है वो आपको, तो इसकी इक्विवेलेंट रेस्ट मास की एनर्जी क्या होगी, अप्लाई करो एम सी स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन की कॉरस्पॉन्डिंग मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया तो आपके पास ये एनर्जी किसकी आ गई, इलेक्ट्रॉन की। अब वो क्या कह रहा है कि इसमें एक प्रोटोन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी ये है, कह रहे प्रोटोन की भी यही है। तो प्रोटोन की एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, ये एनर्जी है। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्रोटोन की एनर्जी काइनेटिक और रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कह रहे बराबर है, हमने इन्हें इक्वेट कर दिया। इक्वेट करके आपने क्या किया, ये गिवन है, मास ऑफ प्रोटोन गिवन है, और यहां से सॉल्व करके क्या निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल ली। वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब वेलोसिटी की वैल्यू आ गई तो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ क्या होती है, एच अपॉन एम वी। तो एच आपको पता है, मास आपको पता है, वेलोसिटी आपने निकाल ली। कैलकुलेशन जरूर बड़ी है बट मेथड समझ में आ रहा है कि आंसर आएगा यहां से। अल्टीमेटली फॉर्मूला वही काम आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, बस। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की मूव करने की स्पीड देखो कितनी ज्यादा है, 0.5 इंटू स्पीड ऑफ लाइट। अब जो भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में अपनी वेलोसिटी निकालता है तो उसका मास कांस्टेंट रहेगा नहीं, उसका मास क्या हो जाएगा, एम नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। वेलोसिटी आपको पता है 0.5 सी, सी स्पीड ऑफ लाइट। सॉल्व करके पहले आप मास निकाल लेंगे कि मास आएगा, फिर एम नॉट इज द रेस्ट मास जब वो रेस्ट पे पड़ा होता है, तो मास आ गया। आपको इसमें क्या निकालना है, लैम्डा, लैम्डा क्या है, एच अपॉन एम वी। तो आप एम तो निकाल ही चुके हैं एम नॉट की फॉर्म में, और वेलोसिटी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.5 सी, 0.5 इंटू स्पीड ऑफ लाइट। सॉल्व करके क्या जाएगा, लैम्डा, मतलब वही चीज़ वही है, लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। पर वेलोसिटी और मास, यहाँ पर जो मास है स्पेशली वो चेंज हो रहा है। मास इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि इसकी स्पीड है वो 0.5 इंटू सी के इक्वल है। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन आता नहीं है ये सीबीएसई में, बट फिर भी पता होना चाहिए कि इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर ये करने की बजाय आप इस क्वेश्चन को एक बार देखें, इसको 34th
क्वेश्चन है फाइंड टिपिकल डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ किसकी एसोसिएटेड विद हीलियम एटम इन हीलियम गैस। हीलियम गैस में हीलियम एटम की। अब वैसे तो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ हम किस में निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, अल्फा पार्टिकल में, नॉर्मली तीन क्वेश्चन ही चलते हैं। पर वो कह रहे हैं मुझको इनकी निकालनी नहीं है, मेरे को तो किसकी निकालनी है, एटम की निकालनी है। अब एटम की निकालनी है और टेम्परेचर एटम का कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब गैस है, गैस का टेम्परेचर आपको दे दिया उसने। तो अब पॉइंट ये है इसमें कि बाकी पार्ट बाद में देखेंगे कंपैरिजन क्या है इसका, बस ए पार्ट ही करेंगे इसका, कि इसके अंदर जो अगर आपको लैम्डा निकालना है, लैम्डा क्या होता है, एच बाई पी, तो मेरे को एटम का मोमेंटम निकालना पड़ेगा। अब एटम का मोमेंटम कैसे निकलेगा, देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज याद करो, प्लस वन में किया था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की थी, मोनोटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है और डायटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। और एक लॉ किया था, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, किसी भी एटम के पास जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ के टी, याद है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 है उसको हाफ के टी से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर डायटॉमिक है तो 5 इंटू हाफ के टी, हीलियम में 3 इंटू हाफ के टी, ये एटम की एनर्जी है। और ये एनर्जी किसकी फॉर्म में आ गई, काइनेटिक। जिनको याद नहीं आ रहा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कोई बात नहीं, वो याद कर लें, हीलियम के लिए ज़्यादा आता नहीं है, यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 3/2 के टी, के फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो कोई भी गैस आएगी उसमें एनर्जी गैस की ये होती है एटम की, और वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ से मास से मल्टीप्लाई, मास से डिवाइड कर लेना, तो क्या आ जाएगा, m²v², तो यहाँ से इसकी जगह लिख लो p²/2m, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि p²/2m से सीधा p आ जाएगा मोमेंटम, तो मोमेंटम सॉल्व करके क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो मोमेंटम को आप यहाँ पुट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बॉक्स में डाल लें, तो ये बुक्स ना सीधा फॉर्मूला यूज़ करती हैं, किसी भी ज़्यादातर हीलियम गैस ही देता है, हीलियम गैस की जो लैम्डा की वैल्यू है वो एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 m kT। तो ये मैंने जो क्वेश्चन छोड़ा था ना अभी ऊपर वाला, ये देखो उसके अंदर भी एग्जैक्टली यही फॉर्मूला यूज़ हो रहा था, ये देखो ये सेम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये तो यही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या, आपको मास निकालना पड़ेगा। अब बात किसकी हो रही है, एटम की। एक एटम का मास कैसे निकलेगा, एवोगैड्रोस नंबर से। तो एटॉमिक वेट को किससे डिवाइड करना है, एवोगैड्रोस नंबर, हीलियम में 4 ग्राम है, एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करके केजी में आ जाएगा। इस मास को आपने यूज करके क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। वैसे आने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट हाँ अगर आ जाए आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे सोचना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक, इसको करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। तो बाकी जो क्वेश्चन हैं ये आपके होमवर्क हैं, आपको होमवर्क बाकी शीट्स की हैं जो मैं देता हूँ, ट्राई करते रहना, और हो रहे हैं ठीक है, तो आपने ये होमवर्क ट्राई करना है।